हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो आज के इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस को देखने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो के अंदर हम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है उसको कवर करने वाले हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि जनन क्या है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जनन क्या है। यानी सभी इस संसार में प्रत्येक जीव में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और इसी क्षमता को क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। अब बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन क्या होता है, ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक आपस में संयोग करते हैं, उसके बाद जीव का निर्माण होता है। तो इस जनन को कहा जाता है लैंगिक जनन। यानी इसमें दो जनक भाग लेते हैं, उस जनन को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है। चलिए अब अलैंगिक जनन क्या होता है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों। तो ऐसा जनन जिसमें केवल एक युग्मक भाग लेता है, कहने का मतलब इसमें नर और मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती है, किसी एक ही जनक से जीव का निर्माण होता है। अब यहाँ से हम चलिए इसको देखते हैं, इसमें अंतर क्या होता है। तो पहला अंतर ध्यान देना दोस्तों, जो पहला अंतर होता है, अगर अभी हमने बताया कि इसमें क्या होते हैं, दो जनक भाग लेते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें दो जनक भाग लेते हैं, दो जनक भाग लेते हैं, ठीक है ना। इसमें दो जनक भाग लेते हैं, यानी इसमें नर और मादा जब युग्मक का संयोग होगा तभी जीव का निर्माण होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें एक जनक भाग लेता है, एक जनक यानी किसी एक ही जनक से जीव का निर्माण होता है, तो इसमें एक जनक भाग लेता है, ठीक है ना, भाग लेता है, ठीक। अब ध्यान देना जो दूसरा अंतर है, दूसरा ये है दोस्तों कि इसमें जब अगुणित युग्मक से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, यानी इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें अगुणित युग्मक से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। लिख सकते हैं कि युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है ना, अगुणित युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है ना, इसमें, ठीक। अब ध्यान देना जो अलैंगिक जनन होता है दोस्तों, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, यानी जायगोट्स इसमें नहीं बनते हैं, ठीक, लिखना है इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। यानी इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, बट उसमें क्या होता है, युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। इसमें अगर हम अगला देखें तो ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि इसमें जो जनक की इकाई होती है वो युग्मक होती है, यानी युग्मक का ही इसमें खेल होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे तभी ये जनन होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जनक की इकाई युग्मक नहीं होती है, ठीक है ना, इसमें जनक की इकाई युग्मक नहीं होती है, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के ही ये प्रक्रिया हो जाती है। तो लिखेंगे इसमें जनक की इकाई युग्मक होता है ना, या युग्मक होती है, इकाई की बात करा, जनक की इकाई युग्मक होती है। इसमें लिखेंगे इसमें जनक कोशिका होती है, ठीक है ना, इन्हीं जनक कोशिकाओं से ही जीव का निर्माण होता है, जनक कोशिका होती है, ठीक।
यानी इसमें जनक की इकाई युग्मक होती है बट इसमें युग्मक उसकी इकाई नहीं है। अब अगला ध्यान देते हैं दोस्तों, इसमें अगला जो हो जाएगा कि इस जनन में अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों हो सकता है, ठीक ना। तो लिखना पड़ेगा कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो सकता है, लेकिन ध्यान देना दोस्तों, इसमें यानी अलैंगिक जनन में इसमें केवल समसूत्री विभाजन ही होता है। तो इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना, समसूत्री विभाजन होता है। इसमें केवल समसूत्री विभाजन ही होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला जो है कि इसमें जो नए जीव का निर्माण होता है वो किससे होता है, युग्मनज से, ठीक है ना। तो इसमें लिखना पड़ेगा कि इसमें नए जीव का निर्माण युग्मनज से होता है, युग्मनज से होता है। इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें जो नए जीव का निर्माण होता है, कलिका भाग से भी हो सकता है और मुकुलन द्वारा हो सकता है, ठीक है ना, और इसमें जड़ों द्वारा हो सकता है। तो आप यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे किसमें, जैसे हल्दी हो गया, अरवी हो गया, ठीक है ना, और शकरकंद हो गया, इन सभी में यानी जड़ द्वारा, तना द्वारा या फिर मुकुल द्वारा, किसी के भी द्वारा हो सकता है, यानी संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग से हो सकता है, ठीक है ना। किसका, नए जीव का विकास या निर्माण। तो लिखेंगे कि इसमें नए जीव का निर्माण कलिका या, ठीक है ना, संपूर्ण शरीर द्वारा हो सकता है, संपूर्ण शरीर द्वारा हो सकता है, ठीक। और अगला ध्यान देना, अगला जो अंतर है, वैसे अंतर तो बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं, ठीक, क्योंकि आपको तो तीन तो हर हाल में याद ही करना है, बट इतना अंतर दे दे रहे हैं आपको कि आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप इतने में से कोई भी याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान देना इसमें क्या होता है दोस्तों, कि यह प्रक्रिया जटिल का मतलब क्या है, यानी अत्यंत टफ होती है, बहुत सिंपल प्रक्रिया नहीं होती, इसमें बहुत सारे स्टेज होते हैं, ठीक है ना, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, वो भ्रूण में परिपक्व भ्रूण होगा, भ्रूण से ही नए जीव का निर्माण होगा, यानी इस तरह से स्टेज ये लंबी चलती है। तो यह प्रक्रिया जटिल व धीमी गति से होती है, ठीक है ना, ये प्रक्रिया जटिल है और अत्यंत धीमी गति से होती है, कौन, लैंगिक जनन। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, ये अलैंगिक जनन है, यह प्रक्रिया क्या है, अत्यंत सरल होती है और अत्यंत तीव्र गति से, यानी कम समय में ही ये प्रक्रिया हो जाती है, तीव्र गति से होती है,
तीव्र गति से होती है, ठीक है ना, ये प्रक्रिया। और अगला ध्यान देना दोस्तों, अगला क्या है कि इस जन्म द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, वो अपने जनक से क्या होते हैं, रंग रूप आकार के आधार पर कुछ क्या होते हैं, उसमें परिवर्तन होता है, यानी अपने जनक से भिन्न होते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होता है, इस दुनिया में सभी आदमी एक ही शकल के होते, ठीक। तो इसलिए क्या होता है, इस जन्म द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक से थोड़ा भिन्न होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है दोस्तों, ये जो संतान होती है इनकी, वो अपने जनक के समान होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, इन सभी जंतुओं में, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि इससे उत्पन्न संतान, यानी सॉरी लैंगिक जनन से इससे उत्पन्न संतान, उत्पन्न संतान अपने जनक से भिन्न होती है, अपने जनक से भिन्न होती है, अपने जनक से क्या होती है दोस्तों, भिन्न होती है, यानी अपने जनक की तरह पूरा हूबहू उसी की तरह नहीं दिखाई देती है ना। और इसमें क्या लिखेंगे कि इससे उत्पन्न संतान, इससे उत्पन्न संतान, इससे उत्पन्न संतान अपने जनक के समान दिखाई देते हैं, अपने जनक के समान दिखाई देते हैं, अपने जनक के समान दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक ना, ठीक। इसमें क्या होता है, अपने जनक से भिन्न होते हैं, यानी इससे उत्पन्न जो संतान अपने जनक से भिन्न होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, उत्पन्न संतान अपने जनक के समान दिखाई देते हैं। और अगला, वैसे अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप, हम बोल रहे हैं, सुनाई तो देगा ही। ध्यान देना दोस्तों, इसमें जो अगला अंतर है एक और, कि ये जो जनन, अगर हम बात करें लैंगिक जनन किसमें होता है, तो यह जनन उच्च पौधों व जंतुओं में होता है, उच्च पौधों व जंतुओं में होता है, जंतुओं में होता है, ठीक ना। यानी उच्च प्रकृति के जो पौधे होते हैं और जो जंतु होते हैं, उनमें कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। और ध्यान देना दोस्तों, इसमें क्या लिखेंगे, यह निम्न अकशेरुकी जंतुओं, अकशेरुकी, यह निम्न प्रकृति के क्या होते हैं, निम्न कोटि के अकशेरुकी जंतुओं में होता है, में होता है, ठीक ना। यानी जो, अब जरूरी नहीं जंतु, पौधे भी इसमें शामिल हैं, तो ये निम्न प्रकृति के अकशेरुकी जो जीव होते हैं और जो पौधे होते हैं, उनमें कौन सा जनन होता है, तो उनमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक ना। और जो उच्च कोटि के जो पौधे होते हैं या जीव होते हैं, उसमें कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। तो वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही शानदार टॉपिक को हम आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही शानदार वीडियो में।